Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator. So, भाई लोग शुक्रिया 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 इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहें और ऐसे ही मैं आपको जो भी चीज़ें जितनी मुझे एटलीस्ट पता है एटलीस्ट वो तो बता पाऊँगा. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, यू वॉचिंग बॉर्न क्रिएटर एंड मेरा नाम है विवेक सूरी. और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दैट इज़ एग्जॉस्ट का झोल. सो एग्जॉस्ट का झोल क्या होता है और कैसे आपका पागल बनाया जाता है, कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है जब भी आप सुपर बाइक लेने जाते हैं. सो गाइस, बेसिकली दो तीन तरीके हैं जो सारा का सारा एग्जॉस्ट का झोल होता है. एंड सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. आप कहीं जाते हैं सुपर बाइक लेने के लिए. सो आप सुपर बाइक लेने के लिए जाते हैं, आप वहाँ देखते हैं, आपको बाइक पसंद आ जाती है, सब कुछ पसंद आता है, आपको आवाज़ सुनाई जाती है, सब कुछ सुनाया जाता है. सो अब आप क्या करते हैं भाई साहब, ऑन टेबल नेगोशिएबल भी हो जाता है, आप नेगोशिएट भी कर लेते हैं, फुल एंड फाइनल पेमेंट भी सेट कर लेते हैं, आप पेमेंट दे भी देते हैं. आपको यूजुअली जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपको बोलेंगे कि भाई साहब आप इतने टाइम पीरियड के बाद हमारे पास आ जाओ. जैसे सपोज आपने आज पेमेंट दे दी, वो आपको कल तक का टाइम दे देंगे, 4, 5, 3, 4 बजे जो भी उनको लगेगा, वो आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे कि भाई साहब आप इस टाइम पीरियड तक आप हमारे पास आ जाओ और हम आपकी बाइक पूरी चमका के बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन जो होगा उस तरीके से उसको सजा के रखेंगे. सो अगर आप गए, आपने देख लिया कि भाई सपोज एक हायाबूसा खड़ी है और उस पर लगे हैं टू ब्रदर्स के एग्जॉस्ट, या उस पर लगा है रेसफिट का एग्जॉस्ट, या उस पर लगा है एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट, एंड अब आप अगले दिन जाते हैं. जिन लोगों को नहीं पता, फ्रैंकली बोलूँगा, जो लोग सिर्फ एक पैशन की तरह, एक सुपर बाइक ड्रीम की तरह लेते हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई ओरिजिनल एग्जॉस्ट क्या है क्या नहीं है, उनको बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में उनका कितना बड़ा फुद्दू काट दिया गया होता है. फुद्दू ऐसे काटा गया होता है कि जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट जब खरीदने के टाइम पे तो भाई बायर सेलर जो होता है उससे ओरिजिनल एग्जॉस्ट ले लिए जाते हैं, उससे ओरिजिनल मतलब कंपनी के जो एग्जॉस्ट हैं वो भी, जो ओरिजिनल एससी प्रोजेक्ट रेस फिट वगैरह अगर स्लिप ऑन है या फुल सिस्टम है जो वो भी लगा है उसको भी लिया जाता है. तो उसके हिसाब से पूरी की पूरी पेमेंट होती है. एंड वो क्या करते हैं, वो ओरिजिनल एग्जॉस्ट जो हैं, जो रेस फिट ओरिजिनल है या एससी प्रोजेक्ट ओरिजिनल है या ब्रुक्स ओरिजिनल है या सपोज टू ब्रदर ओरिजिनल है, वो उसकी जगह उसकी चाइनीज रेप्लिका कॉपी जो है उसको बाइक के अंदर लगा देते हैं. अब मैंने क्या बोला, जिन लोगों को नहीं समझ, जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को देखने से भी समझ नहीं आएगी कि भाई ये रेप्लिका है, आवाज़ तो ऐसी ही आ रही है वुम 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 वुम, बट रेप्लिका एग्जॉस्ट कितना ज़्यादा इंजन पे इफेक्ट करता है आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी. जिन लोगों को इस चीज़ की पूरी नॉलेज है भाई, वो बंदे तो देखते ही बता देते कि भाई ये ओरिजिनल है और ये रेप्लिका है, क्योंकि इतना आराम से वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है. सो जैसे मैंने आपको बोला कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों का तो फुद्दू कट जाता है, क्योंकि यार अगर सपोज हायाबूसा है तो यार लाख रुपए के एग्जॉस्ट तो हैं रेस फिट एससी प्रोजेक्ट के, वो उतार के उसके अंदर 10-20 हज़ार रुपए के, 10-20 हज़ार भी क्या, 6-7-8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम के आपके रेप्लिका आ जाते हैं स्टेनलेस स्टील वगैरह के, और वो लगा दिए जाते हैं, या पुराने रेप्लिका पड़े होंगे भाई वो लगा दिए जाते हैं. तो सीधा सीधा बंदे ने 80-90 हज़ार 1 लाख रुपये तो वैसे ही कमा लिया. अब उसका तो चलो कट गया, तो ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका ये है कि बाइक देखी, सब कुछ देखा, एंड बात हो गई, सब कुछ हो गया, पेमेंट हुई, अब बंदा लेने आया. अब उस बंदे को नॉलेज थी कि भाई रेप्लिका एग्जॉस्ट क्या होते हैं और फेक एग्जॉस्ट क्या होते हैं, तो उनको कैसे पागल बनाया जाता है. अब वो बंदा जब बाइक लेने आता है तो वो देखता है कि भाई इसके तो एग्जॉस्ट चेंज है. अब वो बंदे के पैसे तो सारे चले गए, 8-9-10 लाख रुपए डीलर के पास चले गए, अब तो वो कुछ बोलने जोगा भी नहीं है. अब वो बोलता है तो सीधी सीधी बात है, उसको बोल दिया जाता है कि भैया 50 हज़ार रुपये कटेगा. अब आप देख लो, अब हम आपका 50 हज़ार या लाख रुपये काटेंगे, आपको बाइक नहीं लेनी, आप इतने पैसे काट के ले जाओ भाई, बिजनेस तो बिजनेस है, सीधी बात है. अब वो बंदा या तो बेशर्मी में, या तो बेचारा अब कट गया उसका तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो इस चीज़ की वजह से या तो वो वही रेप्लिका एग्जॉस्ट लेता हुआ चला जाता, या वो बोलता है कि नहीं भैया मुझे तो ओरिजिनल एग्जॉस्ट ही चाहिए. सो उसको क्या बोला जाता है, भैया जो हमारी डील हुई थी वो बाइक के रिलेशन में डील हुई थी, वो एसेसरीज के रिलेशन में डील नहीं हुई थी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ओरिजिनल एग्जॉस्ट दिया जाए, तो अब यहाँ पे तो आ जाता है,
तो आपको हमें इतने पैसे और फालतू देने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात, किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है या किस तरीके से घुमाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे सारे करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसे सारे नहीं करते हैं, बट मोस्टली कह सकते हो आप लोग करते हैं। एंड इसमें हमारा सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ओरिजिनल उठाओगे या एक रेप्लिका देखोगे तो आपको देखते ही वैसे, अगर मैं बोलूं तो लुक का फर्क पता चल जाता है। जैसे हमने सपोज एक नाइट आई लाइट के बारे में बताया, नाइट आई लाइट में भी हमने डिफरेंस बताया कि ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है। आधे से ज्यादा लोग इंडिया में नहीं जानते कि भाई नाइट आई ओरिजिनल आती कौन सी है और डुप्लीकेट कैसी आती है। चाहे मेरे उस वीडियो पे अभी इतने व्यूज नहीं है, सिर्फ 2000 ही व्यूज हैं, बट बहुत बहुत लोगों के नीचे कमेंट्स आए हैं। 2000 अगर लोगों ने देखा तो ऑलमोस्ट 700-800 बंदों के नीचे कमेंट्स आए हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं था, हमारा तो पागल कट गया। तो यही सेम चीज आपकी एग्जॉस्ट के अंदर भी होती है। अब एक थर्ड तरीका आ जाता है। थर्ड तरीका ये होता है कि भाई साहब बंदा जाता है देखने, उसको पूरा एग्जॉस्ट आवाज ववाज सब सुना दी जाती है और वो करा जाता है। जब बंदा बोलता है तो ये थोड़ा सा सेकेंड पार्ट इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, उसको ये चीज बोली जाती है कि भाई साहब वो जो एग्जॉस्ट थे वो तो हमारे डिस्प्ले के पीसेस थे, वो वाले एग्जॉस्ट हमने इस बाइक की डीलिंग में कराई नहीं। सो अगर आप एक यूज्ड सुपर बाइक ले रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको बोलूंगा कि आप जब भी फुल एंड फाइनल पेमेंट देने जा रहे हो, ठीक है, उसी टाइम ही रुक के अपनी बाइक ले लो। साफ कराने की जरूरत नहीं है भाई, वो साफ आप खुद भी करा लोगे 150-200-300 रुपए दे के। बट पता चले कहीं आपको इतना ज्यादा पागल बना दिया गया और आपके 60-70 हजार रुपए और लग गए या आपकी जेब से निकाल लिए गए, तो फिर तो आपको बहुत मोटी चपत पड़ेगी भाई साहब। तो यार ये चीज को दिमाग में रखो कि अगर आप एक सुपर बाइक ले रहे हो, पहले तो आप उस सुपर बाइक की सारी फोटोएं खींच लो कि भैया इसमें क्या क्या चीजें लगी हैं, ताकि आपको पता रहे कि भैया इसमें ये भी लगा है, इसमें फ्रेम स्लाइडर्स भी लगे हैं, इसमें ये भी लगा है, इसमें ये भी लगा है, इसमें ये भी लगा है। बाद में डीलर ये ना बोले कि भाई ये तो हमारा सिर्फ शोरूम में खड़ा करने के लिए पीस था, हमने एक तरीके से सारी एसेसरी लगा रखी थी, बट ये सारी एसेसरी इस प्राइस के अंदर, जिस प्राइस में हम आपको दे रहे हैं, उस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप ये चीजें चाहते हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप ये चीज पहले दिमाग में बिठा लें सारी, एक तो पहले फोटोएं खींच लें, एंड जो डीलर है, जो ब्रोकर है, जो दलाल है, उससे बात कर लें पूरी पूरी कि भैया ये जो बाइक आप हमें इस पैसे में दे रहे हो, इसमें ये जो सारी चीजें लगी हैं वो इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। अगर वो कुछ उसके दिमाग में पागल बनाने वाली बात होगी, कुछ होगा, तो वो पहले ही आपको बता देगा कि नहीं नहीं भैया ये तो डिस्प्ले वाली पीसीज हैं, ये तो ये है, ये तो वो है, आपको ये सब चाहिए तो इसके लिए पैसा फालतू लगेगा। बट अभी आपने कुछ दिया नहीं होगा तो आप बच जाओगे, सीधी सीधी बात है। उसकी ये चीज रिकॉर्ड भी कर लो कि भैया ये जो आप दे रहे हो हमें सारा का सारा सामान, इसके अंदर एक्रापोविक के एग्जॉस्ट लगे हैं, रेस फिट का लगा है, या फ्रेम स्लाइडर लगा है, या क्रैश गार्ड लगे हैं, या स्पूल्स लगे हैं, स्प्रॉकेट्स लगे हैं, जो मर्जी लगा है, जो भी पावर कमांडर वगैरह जो मर्जी उस बाइक के अंदर लगा हुआ है, वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर लो उस बंदे की बोलते हुए, ताकि वो बंदा फिर मुकर ना सके। आपको पता है बैंकॉक वगैरह के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होती है। सेल की तो बात वहां पे बात बड़ी दूर की है। वहां पे क्या होता है, अगर आप बैंकॉक वगैरह या कहीं पे भी जाते हो, जैसे ये जो हो गया बैंकॉक, पताया, इंडोनेशिया वगैरह, बाली वगैरह साइड पे, वहां पे आप किराए पे गाड़ी लेते हो क्योंकि आप इंडियन लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हो। इवन ये चीज गोवा के अंदर भी बहुत ज्यादा होती है। सो क्या होता है, आप किराए पे गाड़ी लेते हो एंड आप उसकी वीडियो तो शूट करते नहीं, कुछ नहीं करते, जब आप वो गाड़ी वापस देने जाते हो तो वो बंदे फेक चीजें बना देते हैं। आप तो इस पे ये डेंट मार लाए, आप तो इस पे ये स्क्रैच मार लाए, आप तो इस पे ये कर लाए, आप तो इस पे वो कर लाए, तो वो उस चीज का आपसे पैसा काट लेते हैं क्योंकि आपने डिपॉजिट मनी, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो करा रखा होता है। तो ये यूजुअली हर जगह पे होता है। सो ये चीज अगर आप उस बंदे के सामने पूरी गाड़ी की सपोज एक वीडियो बना लेते हो, या बाइक अगर आपने रेंट पे लिया आप उसकी पूरी वीडियो बना लेते हो, तो उन बंदों को पता चल जाता है कि भाई ये बंदे प्रोफेशनल है, इनको सारी नॉलेज है, तो इनका फुद्दू नहीं बनाया जा सकता। और यही सब चीजें आपको सिक्योर करती हैं अपना पैसा बचाने में। सेम यही चीज आपकी लागू होती है सुपर बाइक खरीदने पर भी, जो कि आप ये आप पूरी वीडियो में देख रहे हैं। सो ये है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट का झोल, कैसे आप लोगों को फेक एग्जॉस्ट चेप दिए जाते हैं, जिन बेचारों को नहीं पता उनको चेप दिए जाते हैं, जिन बेचारों को पता भी है उनसे एडिशनल पैसे मांग लिए जाते हैं क्योंकि कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता, कुछ बोला नहीं गया होता ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड पूरा सारा कुछ। तो सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके जाएं, पूरा रिकॉर्ड कर ले बंदा क्या बोल रहा है, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लें। सबके पास आज की डेट में स्मार्टफोन्स हैं, तो यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर कोई डीलर आपको जो चीज लगी है वही चीज दे रहा है ना भाई, उससे अच्छा डीलर नहीं हो सकता।
मैं आपको पहले बता दूं, और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सपोज इंजन में क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या नहीं है, चलो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाते हैं। इतनी आसानी से इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर हो जाती हैं तो यार पता नहीं, फिर मज़ा नहीं आता। थोड़ा खींचते हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से उसको इलाबोरेट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, तब भी मज़ा आएगा ना। मेन तो चीज़ वो आ जाती है। सो जब तक इलाबोरेशन नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। सो आप किसी से भी लें, मैं ये नहीं कहता कि कोई डीलर बुरा है, मैं ये नहीं कहता कि सारे डीलर बहुत अच्छे हैं, बट दिमाग में किसके क्या खुराफात चल रही है यू नेवर नो, या किसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है यू नेवर नो। सो इस चीज को दिमाग में रखें, और अगर आप अगर आप ऐसा सा कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदते, चाहे वो कहीं से भी खरीदते हो, प्लीज इन पॉइंट्स को जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि ये आपके बहुत 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 सारे जो पैसे हैं उनको बचा सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो के तहत आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे नीचे आ रहा है टू बी कॉन्टिन्यूड, तो और भी आगे वीडियोज आने वाली हैं इसी रिलेशन के अंदर। सो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और वीडियो को लाइक करना भी बनता है, क्योंकि ऐसी वीडियो पे अगर लाइक नहीं दोगे तो यार फिर तो भाई का दिल टूट जाएगा। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।